हेलो गॉसिप गर्ल्स। तो आज दिन की शुरुआत हुई वावा जोशी के व्लॉग से, एंड मुझे तो पता ही था कि इसका ना ये लंदन जाने से पहले कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। आई वॉज डैम श्योर, मुझे इंट्यूशन हो रहा था, क्योंकि ये लोग कुछ चीज़ ले या कुछ करने जाए और इनके साथ कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों बेटा, मम्मी तुम्हारे साथ लंदन आने वाली थी क्या, आना चाहती थी क्या, या फिर मम्मी की बात तुमने नहीं मानी और मम्मी की मर्ज़ी नहीं थी फिर भी तुम लंदन के लिए निकल पड़े, इसलिए ऐसा हुआ। लास्ट टाइम याद है ना, दिल्ली में जाते वक्त टायर फटा था, तभी मम्मी ने कहा था कि इसलिए बड़ों की बात मानते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं। मैंने कहा था मत करो, फिर भी तुमने किया, इसलिए ऐसा हुआ। इस बार तो कुछ ऐसा नहीं हुआ ना, अगर ऐसा किया है तो यही थम जाओ, ये मतलब इंटीमेशन है, ज़्यादा आगे मत बढ़ो, अपनी मम्मी के पास लौट जाओ या फिर वॉवी भैया को वापस भेज दो और मम्मी को साथ लेके जाओ। एक तो वो बेशरम फ्राइंग बीस्ट, वो हमेशा फ़्लाइट के लिए लेट पहुँचता रहता है। मतलब खुद पायलट होके भी दोनों हस्बैंड वाइफ, इतना भी सेंस नहीं है उनमें कि टाइम पे चेक इन करें। ये तुमसे तुम ही नहीं ये फॉलो करते तो दुनिया क्या करेगी। मतलब हम तो हमारे जैसे लोग फिर तुमसे अच्छे हैं, तुम लोग खुद उस प्रोफेशन में होके उसके एटिकेट्स फॉलो नहीं करते। वो हमेशा बोलता रहता है कि आई एम लेट, आई एम द लास्ट पर्सन टू चेक इन, मेरा नाम कॉल आउट हो रहा है। वो इतनी देर तक तुम क्या करते रहते हो भाई, मतलब कहाँ रहते हो तुम, इतना भी केयरलेस। मतलब केयरलेस तो है ही, मतलब अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है एक एक एग्जांपल जैसे बाहर आते जा रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि ही इज़ द मोस्ट केयरलेस पर्सन इन द वर्ल्ड। लेकिन अभी यहाँ बात हो रही है वावा जोशी की, तो वावा जोशी इज़ द मतलब क्रिंज कंटेंट का लीडर है वो। तो अभी उसका कंटेंट बिल्कुल भी सही से नहीं आ रहा है, कुछ भी बकवास करते रहता है। मतलब कार ली तो कार ठुक गई, कार को स्क्रैच आ गया, कुछ भी। मतलब ये लोग लेते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मतलब ये लोग इतने केयरलेस है या दिखाते हैं, मतलब कुछ भी कंटेंट के लिए अपनी चीज़ों को, मुझे तो लगता है कि जानबूझ के तोड़ते फोड़ते हैं उनके साथ, से चीज़ें होती रहती है जस्ट टू मेक कंटेंट। इट्स ऑल स्क्रिप्टेड, नहीं तो ऐसा कौन इतनी लाखों की चीज़ों का नुकसान करेगा यार। मतलब ये लोग एक लाखों का, हज़ारों का नुकसान करते हैं, उस पर लाखों कमाते हैं, दैट्स द स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली यही है। तो मुझे तो पता ही था कि आज इसके साथ कांड हुआ होगा, एंड वही हुआ, इसकी फ़्लाइट मिस हो गई। अभी ये कह रहा है कि मेरी फ़्लाइट सुबह 6 बजे की थी, तो शायद ये फ़्लाइट प्रीपॉन हो गई थी, क्योंकि उसके टिकट पे तो 3 बजे की लिखी हुई थी और 6 बजे ऑलरेडी फ्लाई हो चुका था प्लेन। तो इट इज़ कन्फर्म दैट इट हैज़ बीन प्रीपॉन। तो इसको किसी ने बोला नहीं, एयरलाइन ने कुछ भी कांटेक्ट नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एयरलाइन आपको बताती है, आपको मैसेज आता है, आपको मेल आता है। मतलब बेसिकली इनका ना खुद का कुछ ध्यान ही नहीं रहता, ये लोग ऐसे हैं ना। मतलब ये तो मतलब एकदम एटलीस्ट फ्लाइंग बीस्ट का तो एक है कि उसका एक अपना वजूद है, ही इज़ वेल क्वालिफाइड, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, लेकिन इसका तो ये भी नहीं है, नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, और उसको मतलब इतनी कुछ ये नहीं है, परख नहीं है, या फिर इतना कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो जैसे कोई बोल रहा है ऐसे, जैसे वो नंदी बैल रहता है ना, बस मुंडी हिलाता है, वैसा वैसा वाला बंदा है। और उसका जो भले ही वो ये ना एडमिट करता हो, लेकिन वो जो है वावी भैया उसके शायद से मैनेजर है, और ही मैनेजेस एवरीथिंग। और वो भी मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग की दुकान है, वो सिर्फ दिखाते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा शो शाइनिंग है, लेकिन एक्चुअल में कुछ है नहीं। मतलब उसका कोई रेस्टोरेंट है, वो क्लब वब कुछ है, वही उसका मेन बिजनेस है। लेकिन अभी ये वावा जोशी के साथ लग के उसका मैनेजर बनने की वो कोशिश कर रहा है, उसको इम्प्रेस करके, शायद उसको पे भी करता होगा, क्योंकि फुकट में तो कुछ करेगा नहीं कोई किसी के लिए, तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। तो ही इज़ ऑलवेज़ देयर विथ हिम, अभी भी UK जा रहा है तो ही इज़ देयर विथ हिम, तो वो तो है ही। लेकिन ये इतना बड़ा इंसान, अंकल, इसको भी इतनी अक्ल नहीं, इसने भी देखा नहीं, ये भी मतलब कौन सा सो रहा था खराटे मार के, पता नहीं कि इसको पता नहीं कि अपनी फ़्लाइट प्रीपॉन हो गई है, दोनों में से एक को भी नहीं पता, दोनों मस्त आराम से मज़े में आ गए 12 बजे 3 बजे की फ़्लाइट समझ के। सो और ऊपर से मुझे एक समझ नहीं आता, ये लोग इतना मतलब इतनी बार वो बोला रहेगा कि मेरा 8 लाख का टिकट, 8 लाख का टिकट, 8 लाख का टिकट। अरे भाई, पता है तू बहुत पैसे वाला है, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है,
ये बोल के तू क्या प्रूव करना चाहता है? और इतनी भी क्या, मतलब क्या आन पड़ी है कि तुम, कुछ तो होगा ना इसलिए तुम जा रहे हो इतना खर्चा करके वापस, वापस से टिकट वगैरह बुक करके? ऐसा कोई नॉर्मल इंसान के बस की बात है क्या ये? आप ही मुझे बताओ। और ये वावा जोशी की पर्सनालिटी टोटल कुछ अलग है। ये ना मतलब बड़े शरीर में, बड़े इंसान के शरीर में, लाइक 25 का तो होगा ही वो, 25 के शरीर में 12 साल का लड़का अटका हुआ है, ऐसे ऐसे लगता है कुछ। मतलब इसकी बाल बुद्धि नहीं बोल सकते, इसकी बुद्धि को हम लोग बैल बुद्धि बोल सकते हैं। मतलब ज़रा भी अक्ल नहीं है इसमें, बस व्लॉग कैमरा उठाओ, बकवास करो और इधर उधर की बातें करो, 10 बार गाइस 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 बोलो, पूरा गाइस गाइस का नाम स्मरण करो, बस इतना ही आता है। बाकी बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, सारी घुटने में है इसकी तो। और है ना बहुत बार, मतलब ऐसे इन जनरल हम लोग ने देखा है कि जब पैसा आ जाता है ना, जब इंसान कमाने लग जाता है, स्पेशली बच्चा, तो कोई भी बच्चा अगर कमाने लग जाता है तो वो किसी भी जरिए से कमाता हो, पैसा धनाधन आने लगा ना, स्पेशली गरीब फैमिली में, तो माँ बाप को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लोग मतलब छोड़ देते हैं, जा बेटा जा, जो करना है कर, बस पैसा आने दे, यही अल्टीमेट गोल हो जाता है फिर उनका। उनको कोई, अगर आप सोचो अगर हमसे ऐसी फ्लाइट मिस हो जाती है और हम, हमारा ऐसे कुछ हो जाता तो हमारे माँ बाप हमारे साथ क्या सलूक करते, हम लोग को पीट पीट के हमारा भरता बना देते, इतना सुनना पड़ता, इतना सुनना पड़ता। खैर छोड़ो पीटना नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतने ताने और इतनी बातें सुननी पड़ती कि उफ, हम लोग सोच भी नहीं सकते। और ये बोलता है कि मेरे पापा के नाम पे अकाउंट है, मेरे चाचा के नाम पे अकाउंट है, सबके मतलब एल्डर्स के नाम पे अकाउंट ओपन किया है मैंने, और सब पैसा उनके अकाउंट में जाता है। चल झूठा, कितना झूठ बोलेगा बे, इतने पैसे मतलब तेरे पास कुछ एक्सेस ही नहीं है? अकाउंट उनके नाम पे होने से क्या होता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो तू चलाता है, पैसे तो तेरे नाम के आते हैं, किसी और को फेंक या हमको मत फेंक, तेरे जैसे बैल बुद्धि नहीं बैठे हैं यहाँ पे। तो वही है भाई, इन लोग का नाटक और इन लोग का शो ऑफ, और इनके झांसे में जो फंसाना वो बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि ये लोगों को उस दिन एडवाइस भी कर रहा था कि बच्चों को कि पढ़ाई करो और साथ ही साथ में व्लॉगिंग भी आप भी कर सकते हो, आप भी पैसा कमा सकते हो। नहीं भाई, हमारे लिए पढ़ाई ठीक है, हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चे पढ़ लिख के बाद में जो करना है करे, पहले सबसे प्रायोरिटी पे नंबर 1 है पढ़ाई, बाद में तुम्हारे जैसे हर किसी के नसीब नहीं होते हैं और चाहिए भी नहीं, हमें पढ़ लिख के ही आगे पढ़ना है, हम लोग ओल्ड स्कूल है उसी तरह चलना पसंद करते हैं, एंड दैट इज़ बेटर फॉर अस। तो हर कोई यही बात याद रखना, ये लोग के झांसे में मत आना, बर्बाद हो जाओगे। अगर आप ये चाहते हो, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, तो हो जाइए बर्बाद, दैट इज़ अप टू यू। तो बस आज के पॉडकास्ट में इतना ही, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।